हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूजा एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक एसे, इट इज ऑन नेशनल प्रेजुडाइसेस। ये लिखा था ओलिवर गोल्डस्मिथ ने। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ वाज एन आयरिश पोएट, ही वाज एन एसेइस्ट, ही वाज अ ड्रामेटिस्ट ऑल्सो। इनका जन्म हुआ था 1728 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1774 में। दोस्तों, ओलिवर गोल्डस्मिथ को जाना जाता है बेस्ट फॉर हिज कॉमिक प्ले शी स्टूप्स टू कॉन्कर। उनकी एक लॉन्ग पोएम है द डेजर्टेड विलेज और उनकी एक नॉवल है द विकार ऑफ वेकफील्ड। तो इन तीन वर्क्स के लिए उनको बेस्ट जाना जाता है। इसके अलावा उनका जो ये एसे है ऑन नेशनल प्रेजुडाइसेस, ये पब्लिश हुआ था पहली बार इन द ब्रिटिश मैगजीन इन ऑगस्ट 1760। इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम अपनी कंट्री के प्रति लॉयल हो सकते हैं या उसे प्यार कर सकते हैं, उसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं विदाउट हेटिंग द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, की दूसरी कंट्रीज के निवासियों को हेट करे बिना क्या हम अपनी कंट्री को प्यार कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल। तो चलिए कर लेते हैं इस एसे को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ एनालाइज। पहला पैराग्राफ है, एज आई एम वन ऑफ दैट सॉन्ट्रिंग ट्राइब। दोस्तों, सॉन्ट्रिंग का मतलब होता है टहलना, मटर गश्ती करना। ट्राइब ऑफ मॉर्टल्स हु स्पेंड द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ देयर टाइम इन टेवर्न्स। टेवर्न्स का मतलब है शराब खाना। कॉफी हाउसेस एंड अदर प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट, यानी कि मैं उन टहलने वालों और मटर गश्ती करने वालों में से एक हूं जो अपना समय स्पेंड करते हैं इन टेवर्न्स, कॉफी हाउसेस में या फिर जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, मैं वहां घूमने फिरने वालों में से एक हूं। आई हैव देयर बाय एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑब्जर्विंग एन इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स। तो इसीलिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है कि मैं अलग अलग लोगों को ना उनको ऑब्जर्व करूं, उनको जानूं। विच टू अ पर्सन ऑफ कॉन्टेम्पलेटिव टर्न इज अ मच हायर एंटरटेनमेंट देन अ व्यू ऑफ ऑल द क्यूरियोसिटीज ऑफ आर्ट एंड नेचर। जो कि एक अगर जो कॉन्टेम्पलेटिव का मतलब है यहाँ पर थॉटफुल, चिंतन करने वाला, कि जो एक थॉटफुल इंसान है ना उसके लिए बड़ा ही एक अच्छा एंटरटेनमेंट होता है। इन वन ऑफ दीज माई लेट रैम्बल्स, रैम्बल्स का मतलब है भ्रमण, कि ऐसी किसी मतलब ट्रिप के दौरान आई एक्सीडेंटली फेल इनटू द कंपनी ऑफ हाफ अ डजन जेंटलमैन हु वर एंगेज्ड इन अ वार्म डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद, कि ऐसे ही एक भ्रमण के दौरान जो है ना मैं एक कंपनी से मिला, कुछ लोगों के ग्रुप से मिला जो कि एक टॉपिक पर ना कुछ झगड़ा सा, कुछ वाद विवाद सा वो लोग कर रहे थे अबाउट सम पॉलिटिकल अफेयर के बारे में कुछ था वो। द डिसीजन ऑफ विच एज दे वर इक्वली डिवाइडेड इन देयर सेंटिमेंट्स। यहाँ पर दोस्तों सेंटिमेंट्स का मतलब है जजमेंट, उनकी जो ओपिनियंस थी। दे थॉट प्रॉपर टू रेफर टू मी विच नेचुरली ड्र्यू मी इन फॉर अ शेयर ऑफ द कॉन्वर्सेशन। बेसिकली उन लोगों ने ओलिवर गोल्डस्मिथ को इनवाइट किया कि आप हमारी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनो, इसमें पार्ट लो और अपनी राय दो। दोस्तों अगला पैराग्राफ है, amongst a multiplicity of other topics we took occasion to talk of the different characters of the several nations of Europe। कि बहुत सारे टॉपिक्स से बात करने के लिए लेकिन हमने सोचा कि जो अलग अलग कैरेक्टर्स हैं of the several nations of Europe, चलो उसके बारे में बात करते हैं। When one of the gentlemen cocking his head and assuming such an air of importance as if he had possessed all the merit, merit का मतलब है गुण, योग्यता of the English nation in his own person, कि वो ये टॉपिक चल ही रहा था कि इतने में एक व्यक्ति उठा और वो जो है ना बड़े स्टाइल से, जैसे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे उसके पास में सारी गुणवत्ता है, योग्यता है of the English nation, तो बड़े स्टाइल से वो उठा और उसने कहा डच वर अ पार्सल ऑफ एवरीशियस रिचेस, कि डच लोग जो होते हैं ना वो तो बड़े लालची होते हैं, बड़े कंजूस मक्खी चूस होते हैं। द फ्रेंच अ सेट ऑफ फ्लैटरिंग साइकोफेंट्स, और जो फ्रेंच लोग होते हैं वो खुशामद करने वाले चापलूस होते हैं। That the Germans were drunken sorts and beastly gluttons, और जो जर्मन के लोग होते हैं, जर्मनी के लोग होते हैं, जर्मन जो होते हैं वो या तो शराब पीते हैं बहुत ज्यादा या फिर पेटू होते हैं, पागलों की तरह खाते हैं। And the Spaniards proud, haughty and surly tyrants, और जो स्पेनिश लोग होते हैं, जो स्पेन के होते हैं, वो बहुत ही घमंडी होते हैं और चिड़चिड़े तानाशाह किस्म के लोग वो होते हैं। तो बेसिकली ये उनकी बुराई कर रहा है जो व्यक्ति है, बट दैट इन ब्रेवरी, जेनेरोसिटी एंड क्लेमेंसी
And in every other virtue, the English excelled all the rest of the world. तो basically क्या कर रहा है, जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, उनकी तारीफ कर रहा है कि उनमें सारी की सारी जो है ना खूबियां हैं, वो ब्रेव भी है, जेनरस भी है. क्लेमेंसी का मतलब होता है यहां पर दया, कृपा, कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत दयावान वो हैं. अगला पैराग्राफ है, This very learned and judicious remark was received with general smile of approbation by all the company. दोस्तों judicious का मतलब है न्याय संगत, कि सबको लगा कि हाँ ये जो उसका remark है ये काफी सही है, कोई कमी नहीं है इसके अंदर. Approbation का मतलब approval, की जैसे उसने ये remark किया तो सब लोगों ने इसको accept किया, सब लोगों ने इसको approve कर लिया. All I mean but your humble servant, यहां पर ये जो फ्रेज है बट योर हम्बल सर्वेंट, ये गोल्डस्मिथ के लिए यूज किया गया है कि गोल्डस्मिथ को छोड़कर बाकी सब ने उस व्यक्ति से अग्री किया. Who endeavoring to keep my gravity as well as I could, gravity का मतलब गंभीरता, and reclining my head upon my arm, recline का मतलब रेस्ट करना, आराम से उन्होंने अपना हेड जो है ना अपने आर्म पर रखा हुआ था. ही वॉज प्रिटेंडिंग कि जैसे वो उसकी बात को सुन नहीं रहे हैं. कॉन्टिन्यूड फॉर सम टाइम इन अ पोस्चर ऑफ अफेक्टेड थॉटफुलनेस. अफेक्टेड थॉटफुलनेस ये वही है कि वो कुछ और सोच रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे थे अपने हेड को अपनी आर्म पर रेस्ट करके, जैसे कि वो जो टॉपिक चल रहा है उस पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं. As if I had been mussing on something else and did not seem to attend to the subject of conversation. Hoping by these means to avoid the disagreeable necessity of explaining myself and thereby depriving the gentleman of his imaginary happiness. कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे ताकि उनको उस टॉपिक पर अपनी राय ना देनी पड़े, क्योंकि गोल्डस्मिथ की जो राय थी वो उस बंदे की स्टेटमेंट से अलग थी, तो वो चाहते ही नहीं थे कि मैं बेफालतू में इसको अपनी राय दूंगा और इसकी जो हैप्पीनेस है कहीं ना कहीं रोइन हो जाएगी. अगला पैराग्राफ है, बट माई स्यूडो पेट्रियट हैड नो माइंड टू लेट मी एस्केप सो इजिली. स्यूडो का मतलब होता है नकली, झूठा, कि वो बंदा ना मतलब जो देशभक्त होने का दिखावा जो कर रहा था उसके बारे में यहां बात हो रही है. नॉट सेटिस्फाइड दैट हिज ओपिनियन शुड पास विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन, ही वॉज डिटरमिन्ड टू हैव इट रेटिफाइड बाय द सफरेज ऑफ एवरीवन इन द कंपनी. कि उसको ये पसंद नहीं आया कि यार ये एक बंदा कुछ बोल नहीं रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसने गोल्डस्मिथ साहब को जाने नहीं दिया. उसने बोला कि इनको बताना पड़ेगा कि आपका क्या विचार है. उसको ये था कि जितने भी लोग वहां पर प्रेजेंट है मुझे सबका अप्रूवल चाहिए अपनी स्टेटमेंट पर. For which purpose addressing himself to me with an air of inexpressible confidence. वो कहते हैं कि उसमें इतना वो श्योर था ना दोस्तों अपनी ओपिनियन को लेकर कि उसने डायरेक्टली जाके गोल्डस्मिथ साहब को अप्रोच कर दिया. उसने उसको पूछा, he asked me if I was not of the same way of thinking, कि क्या मेरी सोच सेम नहीं है. As I am never forward in giving my opinion, especially when I have reason to believe that it will not be agreeable. So, when I am obliged to give it, I always hold it for a maxim to speak my real sentiments. तो वो कहते हैं कि मैं अपने opinions को express करने में ना इतना forward नहीं हूँ, और especially जब मुझे लगे कि जो मैं बोलने वाला हूँ उससे लोग agree नहीं करेंगे, तो मैं बचता हूँ अपनी opinion को देने से. आगे वो कहते हैं, I therefore told him that for my own part, I should not have ventured to talk in such a preempt Tory strain unless I had made the tour of Europe and examined the manners of these several nations with great care and accuracy. वो कहते हैं कि जब तक मैं खुद से examine नहीं कर लेता हूँ ना the manners of these several nations और Europe का मैं tour नहीं कर लेता हूँ, तो मैं जब तक मैं examination नहीं करूँगा तो मैं अपना opinion नहीं देना चाहता हूँ, कि मैं जो है ना कहीं कहीं बातें नहीं कहूंगा, मैं पहले देखूंगा सोचूंगा फिर मैं उसके बारे में कुछ कहूंगा. That perhaps a more impartial judge would not scruple to affirm that the Dutch were more frugal and industrious. कि मेरी जगह कोई और अगर एक निष्पक्ष impartial यानी कि निष्पक्ष जज होगा तो वो यही कहेगा, वो संकोच नहीं करेगा ये कहने में कि जो डच लोग हैं वो फ्रूगल का मतलब है अल्पव्ययी, जो कम खर्चा करते हैं, बहुत सोच समझ के जो खर्चा करते हैं, कि वो बहुत मेहनती होते हैं और वो बहुत अल्पव्ययी होते हैं. द फ्रेंच मोर टेम्परेट एंड पोलाइट, कि जो फ्रेंच फ्रांस के जो लोग हैं वो बहुत सेल्फ रिस्ट्रेन्ड होते हैं, पोलाइट होते हैं. द जर्मन्स मोर हार्डी
एंड पेशेंट ऑफ लेबर एंड फटीक, कि जो जर्मनी के लोग हैं वो बहुत साहसी होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं. एंड द स्पैनियर्ड्स मोर स्टेड एंड सेडेट देन द इंग्लिश, और जो स्पैनियर्ड्स हैं वो शांत स्वभाव के हैं, गंभीर है, स्थिर है एज कंपेयर टू द इंग्लिश. हो दो अनडाउटेडली ब्रेव एंड जेनरस, वो कहते हैं कि जो इंग्लैंड के जो लोग हैं, जो इंग्लिश लोग हैं, वो भले ही ब्रेव हैं और जेनरस यानी कि दयावान हैं, वर एट द सेम टाइम रैश, हेडस्ट्रॉन्ग एंड इम्पेटुअस, कि वो भले ही ब्रेव हैं लेकिन साथ ही साथ वो रैश भी हैं. हेडस्ट्रॉन्ग यानी कि जिद्दी जो इंसान होता है, जल्दबाज होता है, जिसको जल्दी गुस्सा आता है, कि उनमें ये जो है ना बुरी क्वालिटीज भी है. टू एप्ट टू बी इलेटेड विद प्रॉस्पेरिटी एंड टू डिस्पॉन्ड इन एडवर्सिटी, कि वो बहुत तत्पर रहते हैं, कि वो प्रॉस्पेरिटी से खुश भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, और जब विपत्ति यानी एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति, जब बुरा समय आता है तो वो बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं. तो वो ये कहते हैं बेसिकली कि भले ही इंग्लिश लोगों में अच्छी क्वालिटीज हैं लेकिन उनमें कुछ बुरी क्वालिटीज भी हैं. मूव ऑन टू पैराग्राफ 5. I could easily perceive that all the company began to regard me with a jealous eye before I had finished my answer. उन्होंने देखा कि यार मेरा जो स्टेटमेंट है ना, सबको यहाँ पर पसंद सा नहीं आ रहा है, तो लोगों ने उनको अप्रिशिएट नहीं किया. विच आई हैड नो सूनर डन दैन द पेट्रियोटिक जेंटलमैन ऑब्जर्व्ड विद अ कंटेम्प्टुअस स्नीर. दोस्तों स्नीर का मतलब होता है व्यंगात्मक ढंग से स्माइल करना या किसी को ताना मारना होता है ना. आपने किसी की बात सुनी और आपको पसंद नहीं आई तो आपने ना उसको एक मतलब कंटेम्प्टुअस स्माइल सी दिया है कि मुझे मतलब कुछ बोला भी नहीं और आपने बिना बोले काम भी कर दिया. तो उनको भी लोगों ने ऐसा ही एक स्नीर दिया. दैट ही वॉज ग्रेटली सरप्राइज हाउ सम पीपल कुड हैव द कॉन्शियंस. कॉन्शियंस का मतलब रूह. टू लिव इन अ कंट्री विच दे डिड नॉट लव एंड टू एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट टू विच इन देयर हार्ट दे वर इन वेटरेट एनिमीज, की लोगों ने ये कहा. और स्पेशली यहाँ पे एक पेट्रियोटिक जेंटलमैन है जिसने उनकी तरफ स्नीर पास किया था, उसको ये बहुत सरप्राइज फील हुआ कि कैसे इस आदमी की हिम्मत, तो देखो ये कैसी कंट्री में रह रहा है जिसको ये पूरी तरह प्यार नहीं करता, जिसका प्रोटेक्शन इंजॉय कर रहा है उस गवर्नमेंट का, और अपने दिल में ये उस कंट्री को दुश्मन मानता है, बेसिकली उसके प्रति पूरी तरह से डेडिकेटेड नहीं है. Finding that by this modest declaration of my sentiments, I had forfeited the good opinion of my companions. दोस्तों forfeit का मतलब होता है खो देना, कि मैंने ये डिक्लेयर करके अपने सेंटिमेंट को, मैंने जो मेरे कंपेनियंस थे उनका जो गुड ओपिनियन था मेरे बारे में, मैं वो खो चुका हूँ. एंड गिवन देम ओकेजन टू कॉल माय पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स इन क्वेश्चन, कि जो मेरे पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स हैं अब वो उस पर सवाल उठाएंगे. एंड वेल नोइंग दैट इट वॉज इन वेन टू आर्ग्यू विद मैन हु वर सो फुल ऑफ देमसेल्फ, कि बेकार है ऐसे लोगों के साथ में बहस करना जो सिर्फ अपने से ही भरे पड़े हैं, वो किसी और की सुनते ही नहीं है. आई थ्रू डाउन माई रेकनिंग एंड रिटायर टू माई ओन लॉजिंग्स. दोस्तों रेकनिंग का मतलब होता है उनकी जो वो कैलकुलेशन था, जो उनका एस्टिमेशन था, जो उनकी ओपिनियन थी, कि उन्होंने उसको छोड़ दिया और वो अपने जो उनका स्थायी निवास था वहां पर, जहां पर भी वो रुके हुए थे, वहां वो वापस चले गए. रिफ्लेक्टिंग ऑन द एब्सर्ड एंड रिडिक्युलस नेचर ऑफ नेशनल प्रेजुडाइज एंड प्रीपोजिशन. दोस्तों प्रीपोजिशन और प्रेजुडाइज का मतलब होता है एन एटीट्यूड, बिलीफ और इम्प्रेशन फॉर्म्ड बिफोर हैंड, कि आप किसी को पूरी तरह जानते भी नहीं हो और आप उनके बारे में ना एक बुरी ओपिनियन फॉर्म कर ले रहे हो. तो उनको बड़ा अजीब लगा कि यार कैसे, मतलब जिसके बारे में आपको पूरी नॉलेज नहीं है, आप कितना ही रिडिक्युलस है, कितना ही अब्सर्ड है. और वो ये भी सोचते हैं कि मतलब why the people must criticize other countries to love their own, कि दूसरे की कंट्री को क्रिटिसाइज करना जरूरी है क्या अपनी कंट्री को प्यार करने के लिए. तो दोस्तों यही था आज का एनालिसिस. इसके कुछ और पैराग्राफ्स भी है जिनको हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे. आई होप यहां तक का जो एनालिसिस है वो आपको समझ में आया होगा. इफ दिस एनालिसिस वॉज हेल्पफुल टू यू तो यार लाइक कर दो, शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके तो जरूर बताना कैसा लगा आपको ये वीडियो. सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस इन फ्यूचर. ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन. तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, हंसते रहो. बाय बाय.